हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो चलिए इसे भी शुरू कर लेते हैं, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की ओर जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। किरण जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सोनिया जी, महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और सारी मेरी महिलाएं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किरण जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज सदन में दूसरे दिन की कार्यवाही रही, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपकी ओर से दिया गया जिसे नामंजूर कर दिया गया, क्या रिएक्शन आपकी ओर से? 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है मैं लेकर आई थी और आप जानते हैं कि एक बहुत ही मेहनत का काम ये होता है जब ये सारा काम करना पड़ता है और एक विपक्ष के नाते ये दायित्व बनता है मेरा, इसलिए मैं बहुत मेहनत से ये सारे काम करती हूँ और सारे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जो है ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो मैंने भेजे थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सिरे से जो है सारे के सारे जो है उनको खारिज कर दिया गया ये कहकर कि ये ज्वलंत मुद्दे नहीं है। अब आप बताइए, जो मुद्दे जो है मेजर मुद्दे जो मैं लेकर आई थी वो किसान भाइयों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, SYL नहर का मुद्दा था, ये 75% बच्चों के जो बेरोजगारी है उसका मुद्दा था, ये सारे के सारे पीने के पानी की किल्लत हो रही है उसका मुद्दा था। तो ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं इस तरह से ज्वलंत मुद्दे जो हैं उनके ऊपर चर्चा करने से सरकार पूरी तरह से गुरेज करती है और उसका नतीजा ये है कि इतनी मेहनत से जो हम काम करते हैं और खासतौर से निजी तौर पे मैं इतना काम करके ये सारा का सारा विधानसभा में ये कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव लाती हूँ और सिरे से जो है खारिज करके बाहर निकाल दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बहुत ही निराशा ही नहीं होती, लेकिन लोगों को ये समझ आनी चाहिए ये सरकार ज्वलंत मुद्दों के ऊपर चर्चा करवाना ही नहीं चाहती और विपक्ष का गला घोटकर जो है चर्चा से भागने की कोशिश करती। किरण जी, निजी क्षेत्र में क्षेत्रीय युवाओं को 75% आरक्षण देने की बात कही जा रही है, क्या आपको ऐसा संभव लग रहा है? ये खाली सुहाने संभव सपने दिखाए जा रहे हैं। सच्चाई की बात यह है कि जो प्रावधान अगर आप इस एक्ट के अंदर पढ़ें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि ये पूरा बाकी बीजेपी के हैं वो भी ये भी वैसा ही एक बहुत बड़ा साबित होगा, क्योंकि 10% जो है कहा है कि हर एक जिले के अंदर खाली जो है कहा है कि हर एक जिले के अंदर खाली रोजगार मिलेगा बच्चों को, उसके बाद भी खाली उन्हीं को मिलेगा जो 50,000 रुपए से नीचे की जिनकी तनख्वाह है, मतलब जो बिल्कुल निचले स्तर के बच्चे हैं, और फिर जो नई इकाइयां हैं उनके ऊपर मिलेगा, फिर इन्होंने जो है डोमिसाइल जो है उसके मापदंड भी जो हैं आपने देखा कि वो कम कर दिए हैं। आज नतीजा ये है कि SDO की जो भर्तियां हुई हैं 99 में से केवल 22 जो है हमारे हरियाणा के बच्चे आ पाए, बाहर के लोग ज्यादा आए हैं, और फिर इस तरह के प्रावधान उसके अंदर करे हैं कि टेक्निकल उसमें अगर ये जो नई इकाई लगेंगी उनको अगर वो इजाजत लेंगे अफसरों से और उसके बाद जो है ये प्रावधान ये मतलब ये 10% को भी कहते हैं लुक ओवर करा जा सकता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। सच्चाई ये है कि अगर इनकी नीयत साफ होती आज 33% से भी ज्यादा जो है 33,000 से भी ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं खाली इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लाखों रिक्त पद पड़े हुए हैं सरकारी, उसमें तो सरकार जो है किसी को भर्ती कर नहीं रही है। 34-35 हजार मेरे ख्याल में इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है पद भरे हैं, तो इनका ये दावा जो है मेरिट का दावा है वो भी पूरी तरह से खोखला सामने हो गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भर्ती करे जा रहे हैं वो तो आप जानते हैं किस ढंग से होते हैं, सारी सिफारिश से किसी के कहने कहलाने से ये सारा होता है, तो सरकार अपने दायित्व से पूरी तरह से भाग रही है और ये जो चुनावी वायदे जो करे जाते हैं ये बस केवल एक वायदे और जुमला बन के रह जाता है, असलियत के अंदर ये क्रियान्वित नहीं होते, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और लोगों को बेवकूफ और मूर्ख बनाने की कोशिश करी जाती है। किरण जी, आज महिला दिवस है तो मेरा सवाल है कि हरियाणा में खास तौर पर मैं अगर प्रदेश की बात करूं तो बहुत कम ऐसी महिलाएं रही जिन्होंने अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया है, या वो सांसद बनी है या वो विधायक बनी है, तो आपको लग रहा है कि प्रदेश में इस तरह का राजनीतिक बदलाव होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए? देखिए,
महिलाएं जो हैं, हम 50% जो है हमारी आबादी है, और जब तक महिलाओं का पूरा योगदान नहीं रहेगा, जब तक कोई भी प्रदेश या देश जो है आगे विकास नहीं कर सकता। और चाहे इसलिए जो है महिलाएं जो हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ता है पुरुषों के मुताबिक, क्योंकि एक तो सारा कुछ अपना घर बार का संभालना है, फिर बाहर का जो है, इसलिए समझना चाहिए कि कितनी मेहनत के साथ अगर कोई महिला बाहर निकलती है तो नेचुरली जो है उसके लिए उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जब राजनीतिक मंच पर आएंगी तो मैं समझती हूँ इससे विकास होने की बात तो जरूर होगी। और उसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे महिलाओं के हैं आज के दिन, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए महंगाई इतनी जबरदस्त बढ़ गई है, गैस का सिलेंडर जो है वो 800 रुपए पार हो गया है, डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है 100 से ऊपर चली गई हैं, डीजल जो है 90 से ऊपर हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है महिलाएं गृहिणियों को खासतौर से ये बहुत इफेक्ट करती हैं। आज ये सारी चीजों को जो है इन सबका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, साथ में जो है इस तरह के मुद्दे जो है कानून व्यवस्था के जो मैं निजी अपने प्रस्ताव में लेकर आई थी जिसको खारिज कर दिया गया है, आज महिलाओं के प्रति इतने गंभीर संगीन जो है ये अपराध हो रहे हैं और सरकार उसके ऊपर चर्चा करने से गुरेज करती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये खाली खाना पूर्ति करके महिला दिवस बनाना का कोई फायदा नहीं है। सरकारों को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जहाँ पे महिलाओं का विकास हो पाए, महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जा सके और सच्चे तौर पे महिलाओं को जो है सशक्त करा जाए। आपको लग रहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में बेटियां बच रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन जरूर दिया था, लेकिन आज सरकारी स्कूल आधे तो बंद पड़े हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वो शुरू कर दिए हैं जिसके अंदर इतनी जबरदस्त फीस ली जा रही है, बेटियों के साथ जो हो रहा है कानून व्यवस्था जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर करती है तो ये महिलाओं को करती है, महंगाई जो है वो महिलाओं को करती है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख रही हैं, सरकार का जो कामकाज जो है वो तो सामने है ही। किरण जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आपका क्या रिएक्शन? ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हम इसलिए लेकर आए हैं कि ये सदन पटल के ऊपर इसकी चर्चा हो, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं 100 दिन से ऊपर हो गए, कड़ाके की ठंड के अंदर बैठ के जो है उन्होंने ये 3 महीने से ऊपर गुजारे हैं, बहुत मुश्किलें सही हैं और परेशानियां झेल रहे हैं, अपने घर छोड़ के अपने घर बार सब कुछ छोड़कर जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं, लेकिन आज जो है बड़े हैरानगी की बात होती है कि ऐसी सरकार है कि जो इनकी पूरी तरह से अनसुनी कर रही है। 250 से भी ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी शहादत दे दी है, तो उन ऐसे किसान भाइयों को उनके साथ संवेदना प्रकट करने की बजाय इनके जो मंत्री हैं, इन कृषि मंत्री हैं, वो खुलेआम जो है शहादत के ऊपर, इनकी मौत के ऊपर मखौल उड़ाते हैं, उनको चीनी और पाकिस्तानी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीयत क्या है। अगर नीयत इनकी किसानों की आय बढ़ाने की होती तो किसान भाइयों को जो है उसका उसके अंदर लिया जाता, उनकी भी बात सुनी जाती और इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करके जो है एक कमेटी बनाई जाती जिससे जो है उनके फायदा जहां पर है वो काम करा जाता, लेकिन वो तो करा नहीं, पूरी तरह से हर तरीके से पूंजीपतियों के हवाले जो है सारा कुछ दे दिया है और ये सोच रहे हैं कि अपने आप हार थक के जो है ये निकल जाएंगे। इनको बांटने की बात करी जाती है, कभी उपवास करे जाते हैं SYL के नाम पर, उपवास करते हैं, मंत्री बैठे हुए हैं कि हम SYL नहर लाएंगे। अरे पूछिए इनसे, आज जो है जब मैं चर्चा के लिए इसको लेकर आई सदन के अंदर SYL नहर को, तो कहते हैं कि ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है और ये इनके मंत्री जो हैं वो उपवास रखते हैं। तो ये सारा फर्जी काम जब करा जाता है, ये बहुत सरकार की तरफ से जब ये करा जाता है, सत्ता पक्ष जब ये इस चीजों में काम करता है, तो दुर्भाग्य ही नहीं मैं समझती हूँ हमारा बहुत ही प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार सत्ता में है। किरण जी, बार बार सत्तासी नेताओं की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है, क्या ये सच है? और आज भी जब गीता भुक्कल ने सवाल किया कि इतने सारे किसान हैं जो कि आंदोलन के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, अभी भाषण में कहीं भी एक भी शब्द उन किसानों के लिए नहीं हुआ, तो जेपी दलाल ने कहा कि उनकी इस स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, आप मानती हैं सच है?
अब हर चीज के लिए ये कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, 6 साल से ये उसमें है। कांग्रेस तो ये काले कानून लेकर आई नहीं है। और जहां तक कृषि मंत्री जी की बात है, उनका तो आप हालात देख लीजिए, कहीं उनको इलाके के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। जहां जाते हैं तो पूरा सैनिक बल और वो पुलिस बल के साथ जो है जाना पड़ता है, या पूरी तरह से बहिष्कार होता है। तो ये किसान भाई जो है ये अपना भला बुरा जानते हैं, बेशक अनपढ़ बेशक हो, पर अगर इनको ये सोचा जाए कि ये मूर्ख हैं, मूर्ख नहीं है, ये जानते हैं कि ये कानून जो है ये लागू जो करे गए हैं ये केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। और आने वाले समय में अगर ये कानून इसी तरह से लागू रहे तो इनकी जमीनें जो हैं और सारा कुछ जो है वो बर्बाद हो। बजट पेश होने वाला है किरण जी, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन, प्रदेश के किस वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस विधायक किरण चौधरी हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने कई मुद्दों पर राय रखी, और फिलहाल के लिए